हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इट्स बीन अ रियली रियली लॉन्ग टाइम दैट आई हैव शॉट और व्लॉग्ड एंड अपलोडिंग तो बहुत पहले से ही, मतलब इट्स बीन 11 to 12 डेज दैट आई हैव नॉट अपलोडेड अ वीडियो। एंड नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, मतलब इतना डिले हम लोग कभी अपलोड्स में नहीं करते हैं। नॉर्मली 2-3 दिन मतलब हम लोग अपलोड करते थे, उसके बाद शायद कुछ होता था तो मतलब नहीं अपलोड करती थी मैं, उसके बाद 1-2 दिन के बाद मैं अपलोड कर ही देती थी। बट दिस हैज़ बीन द मोस्ट मैक्सिमम टाइम दैट आई हैव नॉट अपलोडेड एनी वीडियो। यू कैन सी स्टारलेट सिटिंग ओवर देयर, शी इज डूइंग हर स्टडीज एंड ऑल। सो यस, लास्ट सब आप लोगों को मैंने ये दिखाया था कि स्टार का प्रोजेक्ट्स खत्म हो चुके हैं एंड वी वर ट्रैवलिंग टू भोपाल बिकॉज मेरे हस्बैंड आए थे। सो वी वर लाइक गोइंग टू माई इन-लॉज प्लेस। वही था लास्ट जो मैंने कुछ अपलोड किया था आप लोग के लिए, उसके बाद मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। एंड उसके बाद मतलब इतने सारे हमारे घर में प्रॉब्लम्स हो गए कि जिसके वजह से मतलब एडिटिंग या अपलोडिंग विल बी द लीस्ट थिंग दैट आई वुड इवन थिंक अबाउट। एंड स्टार की पढ़ाई पे जब मैं देख ही नहीं रही तो मैं आप लोग के साथ शेयर क्या करूँ, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डू वॉच द चैनल बिकॉज ऑफ स्टारलेट। उसकी पढ़ाई वगैरह के लिए आप लोग देखते, बाकी घूमना फिरना वगैरह सब आउटिंग वगैरह भी आप लोग देखते ही हो। बट भोपाल में भी जाके ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि आउटिंग किया हो, हमने बहुत सारा कुछ किया हो। सो यस, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूं। सो आप लोगों को पता है मेरे हस्बैंड आए एंड आई डोंट नो आई टोल्ड यू और आई माइट हैव मेंशन बिकॉज आई डोंट रिमेंबर, बट मेरे हस्बैंड आए थे एक सर्जरी के लिए, एक बहुत ही माइनर सर्जरी के लिए आए थे। एंड दिस वाज अ प्री प्लान सर्जरी। 1 साल से हमारे दिमाग में था कि दिस will have to be done in this holiday because काफ़ी टाइम से ड्यू था और ये एक प्लान था, हम लोग को करना ही था। there was a small minor thing in his stomach which we had to get removed. so उसकी सर्जरी थी और वो एक बहुत माइनर सर्जरी थी जिसके लिए वो आए थे, which would have been like 5 to 6 days hospital like मैं सब खत्म हो जाता। but when that surgery turned into a major little major surgery कि हमको पता ही नहीं चला। and like अराउंड 7 to 8 डेज मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज थे एंड इसके वजह से बहुत कुछ डिले हो गया। एंड उसके अलावा भी बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसी हमारे फैमिली में ही हुई। माई डैड एंड एवरीबडी वॉज अनवेल, वी हैड एन इमीडिएट फैमिली मेम्बर की डेथ भी हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे रिलेटिव भी आए थे। सो लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। सो मतलब आपको आगे व्लॉग्स में सारा कुछ देखने मिल जाएगा। मतलब मैंने बहुत तो शूट नहीं किया है, बट मैं बोल रही हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड, ये सब शूट करने का कुछ है ही नहीं, तो मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया है। बट बहुत कुछ हो रहा था जो मैं व्लॉग्स में आपको डेफिनेटली बताऊँगी। बट बहुत सारा फैमिली इमरजेंसीज हमारे घर में हुए, बहुत सारे लोग अनवेल थे और especially my husband who was there in the hospital for 7 days. he was there in the hospital in the ICU for 2 to 3 days, which was really terrifying for us. and thankfully everything is good now, but ab jaake sab log bimar hai because obviously virus chal raha hai, to wo bhi chal raha hai. so is wajah se kya hua na ki main bahut hi matlab this is not something which I can do at that point of this point of time is editing and uploading a video. so ऐसा नहीं हो रहा था। अब जाके धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोग को एक अपडेट दे दूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड विद दैट यू विल गेट अ बेटर पिक्चर कि हाँ, बट आई विल ट्राई एंड पोस्ट एज फास्ट एज पॉसिबल। एंड अभी मुझे जाना है ज़ेवियन को पिकअप करने। हाई एवरीबॉडी, सो दैट डे आई जस्ट कम्प्लीटली फॉरगॉट टू व्लॉग बिकॉज दैट डे मुझे ज़ेवी को पिकअप करने जाना था, तो इसीलिए मैंने व्लॉग वहीं पे एंड कर दिया था। और आज 2 दिन बाद हो रहा है, अभी भी मेरा मतलब टाइम मुहूर्त नहीं निकल रहा है अपलोड करने का। बट आज फाइनली संडे है और 1 वीक बचा हुआ है स्टार के एग्जाम्स के लिए, तो सोचा आज मैं बैठ के अपलोडिंग करना शुरू कर देती हूँ। सो यस, बैकलॉग के वीडियोस थोड़े से डाल दूंगी, क्योंकि जो भोपाल के वीडियोस है वहाँ के जो इतना ज़्यादा घूमना फिरना हुआ नहीं था, बस थोड़े बहुत जो भी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो हमारा ये जो बिजी स्केड्यूल था वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्यों मैं अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड्स हेल्थ एंड लॉट ऑफ अदर रीजन्स जो मैंने बताया था आप लोग को उस दिन। अब क्या है ना, एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर एग्जाम्स। यू कैन हियर बैकग्राउंड में ज़ेवी की आवाज़ है। सो क्लाइमेट इज़ रियली बैड इन बॉम्बे। आई थिंक सब जगह यही हाल है, गर्मी बहुत पीक पे है। इट हैड टू लाइक मतलब मुझे लगता है कि बारिश के बाद थोड़ी सी ठंडी आनी चाहिए थी, बट गर्मी सडनली आ गई है और इसके क्लाइमेटिक चेंज की वजह से सभी लोग बीमार पड़े हुए। तो स्टार की तबीयत तो अभी भी रिकवर कर ही रही है एंड Xavian ही इज़ फ़ाइन, बट बाकी मेरे हस्बैंड की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, सो इस वजह से मतलब वायरल फैला हुआ है, सो दैट्स हैपनिंग। सो बट आई विल मेक श्योर आई अपलोड ऑल द वीडियोज़ बैक टू बैक और आप लोग को वीडियोज़ देखने मिलेंगे। आई होप आप लोग देखेंगे क्योंकि इतने दिन से मैंने अपलोड नहीं किया है, सो आई थिंक बहुत लोग तो सोच रहे हो कि पता नहीं अपलोड करेगी कि नहीं करेगी। सो यस, इसके बाद मुझे बहुत सारे वीडियोज़ डालने हैं क्योंकि स्टार के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, एंड आप लोग के लिए मैं टाइम टेबल भी डालूंगी और साथ में प्रेप और पोर्शंस के भी डाल दूँगी और साथ में एग्ज़ाम्स आएंगे तो उसके भी डाल दूँगी। सो विद इन दिस वन वीक आई एम ट्राइंग एंड फिनिशिंग ऑफ ऑल द अनवांटेड वीडियोज़ जो पड़े हुए हैं ना, ताकि मैं बैक टू बैक एग्ज़ाम्स के वीडियोज़ डाल सकूँ। आई होप यू लाइक ऑल द वीडियोज़ एंड लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक नाउ।